हेलो एवरीवन, कैसे हूँ आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं यहाँ हंस रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और मैं रुकी थी औरंगाबाद में। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा तो ये है होटल औरंगाबाद में जहाँ हमने नाइट स्टे किया था। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको होटल का व्यू दिखा रही हूँ, होटल का रूम सॉरी दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से था रूम और ये है बाथरूम और बहुत ही क्लीन और अच्छा था। यहाँ पर 3 बेड है जो आप यहाँ देख सकते हैं और ये है बाथरूम। और हमने 2 रूम लिए थे और ये रूम है फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पर हम रुके थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। और ग्राउंड फ्लोर पे भी 1 रूम लिया था जिसमें 4 बेड हैं, वहाँ पर मेरा बेटा रात को सोया था मम्मी पापा और मेरे भाई के साथ में। और सुबह ये आ गया है तैयार होके सामान ले जाने के लिए और हम सब रेडी हो चुके हैं चेकआउट करने के लिए। और उसी रूम में इस तरह से कबर्ड बनाए गए हैं जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। और ये होटल स्टेशन के काफ़ी पास में है, औरंगाबाद स्टेशन के बहुत ही नज़दीक में है। और ये है होटल के बाहर का व्यू, विंडो के बाहर से मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ टाइम हो चुका है, सुबह के 9 बजने वाले हैं अभी। सारा सामान हमने ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ नीचे। यह है मेरी बेटी और साथ में मेरा बेटा है, हस्बैंड ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं। और यहाँ मैं देखने आई हूँ मम्मी पापा सब रेडी हो चुके हैं, निकल चुके हैं या नहीं। पापा नीचे चले गए हैं और यह है मेरी मम्मी। और सारा रूम चेक हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं पापा, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई गाड़ी में सामान रख रहे हैं। तो चलिए हम भी रेडी हो चुके हैं। तो ये है ग्राउंड फ्लोर वाला रूम जहाँ पर मैंने पहले ही बताया, वैसे 4 बेड थे यहाँ पर तो मेरा बेटा उनके साथ में ही सो गया था। और मैं आपको ओनर से भी मिला देती हूँ, ये है होटल के ओनर। मेरी मम्मी चाबी उनको दे रही हैं और उनका लाइसेंस और होटल का और साथ में कुछ एक फोटोग्राफ्स। और उन्होंने मुझे यही बताया कि आप यहाँ पे औरंगाबाद में क्या क्या है घूमने के स्थल, वो सब आप यहाँ दिखा सकते हैं। बाहर ही मैंने लगाए हुए हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। होटल का नाम था होटल परिवार, ये फैमिली अकोमोडेशन, एसी नॉन एसी रूम्स हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या घूमने लायक स्थल है यहाँ पर औरंगाबाद में। और ये है होटल, ये गोस्टे पर भी अवेलेबल है रूम, आप वहाँ वेबसाइट पे भी जा कर के देख सकते हैं। और ये है मेरी मम्मी रेडी हो चुकी हैं। तो हम आज यहाँ औरंगाबाद में कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो 2-3 जगह है जहाँ पर हम आज विज़िट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे मंदिर, यहाँ 12वां ज्योतिर्लिंग है घुष्णेश्वर महादेव, तो वहाँ हम जाने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे से हम दर्शन करेंगे और उसके बाद में आगे हम कहाँ जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी।
और ये है स्टेशन के बाहर का व्यू, होटल के बाहर का व्यू। और होटल काफ़ी स्टेशन के बहुत ही नज़दीक है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप यहाँ रुक सकते हैं। और इसके ओनर भी काफ़ी पोलाइट और बहुत ही अच्छे थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम घृष्णेश्वर महादेव के मंदिर की ओर। ज्योतिर्लिंग जाने का रास्ता है जो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ के जो व्यूज थे तो वो तो मैं आपको क्या बताऊँ। और इस तरह से कुछ एक घाट की ओर बढ़ते हुए हमने कुछ एक फ़ोटोज़ वहाँ पर भी लिए थे और बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स हमारे आए हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और वहाँ पर ही आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए पहले के सिक्के किस तरह से थे, पहले के ज़माने के, वो सारे सिक्के लेकर के एक भाई हमें दिखा रहे थे जो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी अभी। पूरा मुगल का है, ब्रिटिश का है, निज़ाम का है, हिंदू कॉइंस है, सब पूरा 14th सेंचुरी के, ब्रिटिश के, ब्रिटिश कॉलिन है। भारत का 1 पैसा है, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, पूरा कलेक्शन है। दिखाओ ना, ये पहले का है, ये 5 पैसे, ये तो हमारा कोड़ी है, ये तो अपने इंडिया की। हाँ तो इंडिया की बता रहा हूँ मैं सर, इंडिया के पूरा करेंसी, मतलब ब्रिटिश के कॉलोनी का, ब्रिटिश से हुकूमत थी उसके भी है। अच्छा, हिंदू कॉइंस भी है, मुगल कॉइंस भी है। नहीं ये तो हमने भी देखे, नहीं ये तो देखे हैं, तो बता रहा हूँ इसका कलेक्शन है पूरा, जिसको जो लगा वो लेता हूँ। वहाँ से हम आगे बढ़ गए और पहुँच गए सबसे पहले हम घृष्णेश्वर महादेव टेंपल, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम वैसे ही आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि यहाँ से 10 रुपये के फूल ले लो, 20 रुपये के ले लो, और फिर आपको अपनी शॉप पे बुलाएंगे। तो बीवेयर गाइस, आप बिल्कुल भी उनकी बातों में मत आइएगा। और मंदिर के एकदम पास में ही आपको लॉकर, चप्पल रखने के लिए सारी जगह मिल जाती है, तो आप स्पेशली वहाँ पर ही जाइएगा और आपको शॉप पे बुला करके बहुत सारी शॉपिंग करवा देते हैं और उससे आप थोड़ा अवेयर कीजिएगा। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ घृष्णेश्वर महादेव टेंपल, और यहाँ आपको सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी आप ले जाते हैं, आपको सेफ्टी रूम में रख देने पड़ते हैं, वहाँ मंदिर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो मैं अंदर का व्यू तो आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन ये है बाहर का व्यू। और हम पहुँच गए हैं घृष्णेश्वर महादेव टेम्पल और ये है 12वां ज्योतिर्लिंग। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री घृष्णेश्वर महादेव 12वां ज्योतिर्लिंग मुख्य प्रवेश द्वार। और एग्जैक्टली इसी के पास में ही आपको मिल जाएगा सेफ्टी लॉकर्स, जो आप अपनी कीमती सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं। कुछ एक नॉमिनल पे करके आप यहाँ रख सकते हैं और अपने चप्पल वगैरह भी, शूज़ वगैरह भी वहाँ पर रखने के लिए जगह है, वहाँ रख सकते हैं। और बाहर आने के बाद हमने कुछ एक फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें हमने कोई नाश्ता, चाय वगैरह नहीं की थी, तो यहाँ पर लोकल इस तरह से हमने नाश्ता किया था। और आप जहाँ पर भी जाएं वहाँ लोकल नाश्ता वगैरह ज़रूर ट्राई करें। और सब नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद हम बढ़ गए थे इलोरा केव्स की तरफ। और इलोरा केव्स काफ़ी ही घृष्णेश्वर महादेव के टेम्पल के जस्ट बगल में ही है, पास में ही है, जहाँ आप जा सकते हो। ये है मेरे दोनों बच्चे और यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं।
और हमने कुछ एक फोटोज क्लिक किए थे और यहाँ मैं बैठी थी घोड़े पे, तो मैं अपनी एक फनी क्लिप्स जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। गई थी घोड़े पे, लेकिन घोड़े को वो उछालने की बात कर रहे थे, मैं उससे डर गई थी तो मैं मना कर रही थी और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं नहीं उठाओ उसको उठाओ उसको, बस यही बात थी। और उसके बाद में हम वहाँ पर पार्किंग था, वहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद हम बढ़ गए थे एलोरा केव्स की तरफ। और यहाँ पर 12 साल से छोटे बच्चों की टिकट्स नहीं है और उसके ऊपर वाले सबकी आपको टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ से 25 रुपीज़ पर हेड है जो कॉइन देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों भी लाइन में गए हैं टिकट लेने के लिए, और धीरे धीरे करके मेरी बेटी कुछ इस तरह से वहाँ से खिसक गई। और उसका इसी तरह से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज़ें मिली जाती हैं जो जहाँ हमारी नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। मैं दिखाती हूँ उसकी नज़र कहाँ पड़ी, तो यहाँ इस तरह से एक खड्डे में पपी बैठा हुआ था और इतनी ज़ोरों से सांस ले रहा था कि दो और भी बच्चे थे उन्होंने कहा उसको कुछ तो हुआ है, तो यहाँ मेरी बेटी ने देखो इस तरह से कुछ सहलाते हुए उसको सुला दिया। और मुझे बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि हम बाहर के कुत्तों का भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियली वो भी किस तरह से अच्छे से सो गया। और उसको परेशान कर रहे थे मच्छर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। और इस तरह से ही मेरी बेटी का ध्यान रखना पड़ता है, वो धीरे धीरे इस तरह से कोई भी चीज़ें देख लेती है तो वहाँ निकल जाती है बिना बताए। तो आप भी यहाँ पर अपने बच्चों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। और हमारे पास एलोरा केव्स घूमने के लिए टाइम थोड़ा कम था क्योंकि आगे से आगे हमें और भी जगह पे जाना था, तो अगर आप एलोरा केव्स आए तो स्पेशली आप 2 से 3 घंटे का तो एटलीस्ट टाइम लेकर के आइएगा। और ये है एंट्री गेट जो आप यहाँ देख सकते हैं, और आपको कुछ एक कॉइन्स देते हैं वो आपको यहाँ पर देना है और अपने साथ में कैरी करना है। उसके बाद में फिर आप जहाँ से एग्ज़िट करते हो वहाँ आपको फिर से कुछ इस तरह से देनी है उनको, और फिर आप वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हो। वो कॉइन आपको जब तक आप अंदर हैं तब तक संभाल के रखना है। और ये है गाइड जिसे हमें लेने की इच्छा हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा अगर आपके पास आधे घंटे या एक घंटे का टाइम है तो आप गाइड मत कीजिए, आप ऐसे ही घूम लीजिए और आप पढ़ के भी देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ अगर आप गाइड लेते हो तो कम से कम आपके पास 2 घंटे का तो मिनिमम टाइम होना चाहिए। तो हमने गाइड नहीं लिया और वो भैया बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे से बता रहे थे। और अंदर जाते ही आप को कुछ इस तरह से शॉपिंग मिल सकती हैं, जैसे टोपी हो गई, सेल्फी स्टिक हो गया और गूगल्स हो गए, और अंदर भी आपको पानी की बोतलें अगर आपको चाहिए तो आप लेकर के जाइएगा, और बाहर भी आपको मिल जाती हैं जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ एंट्री होते ही आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गार्डन है, बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन है, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है जो आप यहाँ देख सकते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं इलोरा केव्स की, ये है बाहर का व्यू। और ये गुफा जो है, ये बाहर के व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें तकरीबन इलोरा केव्स में 34 केव्स अंदर बनाई गई हैं। और यहाँ जो बाहर जो है वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मूर्तियाँ वगैरह आपको दिखाई देगी, जो एक ही स्टोन से काट करके बनाई गई हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। एक्चुअली मूर्तियों को तो काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन फिर भी उनकी छाप अभी भी बहुत अच्छे से क्लीन देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो चलिए, ये आपको बाहर का व्यू मैंने दिखा दिया है, अब पढ़ते हैं हम अंदर। और चलिए अंदर किस तरह से बनाई गई है गुफा, वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। और ये शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं ये सारी गुफाएं। और यहाँ आप देख सकते हैं जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की यहाँ मूर्तियों में छाप दिखाई देती है। और ये हेरिटेज स्थल है। और इस गुफा में मंदिर, हाथी और दो मंजिली इमारत बनाई गई है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और यूनेस्को में भी इसको विरासत, विश्व विरासत में घोषित किया गया है। आपको यहाँ एक बार तो ज़रूर से आकर के विज़िट करना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं हिंदू देवी देवताओं की कुछ इस तरह से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और इसमें आपको बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की छाप दिखाई देती है। और किस तरह से पत्थर को काट काट कर बनाया गया है आप बखूबी देख सकते हैं। और ये सच में बहुत नायाब है ये। और यहाँ आपको एनिमल्स में ज़्यादा करके हाथियों की मूर्तियाँ करी गई हैं, कारीगरी आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है। हालांकि यहाँ पर नुकसान तो बहुत कुछ किया गया है, लेकिन फिर भी आज भी आप अच्छे से यहाँ पर देख पाते हैं। और ये है किस तरह से आप देख सकते हैं पत्थर काट करके रास्ता बनाया गया है। और यहाँ घूमते आपका टाइम कहाँ चला जाएगा आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा अभी तो और देखना बाकी रह गया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें देखने लायक बहुत सारी अच्छे अच्छे व्यूज़, बहुत अच्छी अच्छी गुफाएं, और किस तरह से ये कारीगरी की गई है वो तो अपने आप में ही सच में देखने लायक है। और यहाँ गुफा में बीचों बीच शिवलिंग है, महादेव जी का मंदिर है।
आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पत्थर को काट करके ये तैयार किया गया है। और पहले के ज़माने के लोग के पास में तो ना मशीनरी थी ना कुछ भी, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने बनाया है। ये अपने आप में नायाब है। और यहाँ घूमने के लिए काफ़ी विदेशी भी आते हैं, जो आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ हमारा टाइम बहुत अच्छे से घूम लेने के बाद में अब हम जा रहे हैं बीबी का मकबरा, जो यहाँ का औरंगाबाद का फेमस स्थल है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको किसी भी रीज़न से आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।